तो दोस्तों आज हम फिर दो ऐसे कैमरों का कंपैरिजन करेंगे जो कि काफ़ी अच्छे कैमरे हैं और दोनों कैमरे काफ़ी लेटेस्ट कैमरे हैं और दोनों कैमरे के आप फीचर देखेंगे तो दोनों कैमरे के फीचर आपको सेम नज़र आएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल्स। तो दोस्तों आज जो हम दो कैमरों का कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों ही हमारे कैनन के कैमरे हैं। तो एक जो हमारा कैनन का कैमरा है, एक है हमारा कैनन का R8 और दूसरा जो हमारा कैमरा वो है हमारा कैनन का R6 Mark II। दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छे कैमरे हैं और दोनों कैमरे की स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो दोनों की स्पेसिफिकेशन आपको सेम नज़र आएगी। बट यहाँ पर हमारा जो कैनन का R6 Mark II है ये थोड़ा हाई बजट पर आता है और हमारा जो यहाँ पर कैनन का R8 है ये आपको थोड़ा लो बजट पर देखने के लिए मिल जाता है। तो दोनों कैमरों का जो हम कंपैरिजन करेंगे वो फीचर के ऊपर करेंगे और मैं आपको सिर्फ मेन ही मेन फीचर बताऊंगा जो कि हमारी यूज में आते हैं। तो अब हम देखते हैं दोनों कैमरे के मेगापिक्सल। तो यहाँ पे हमारा जो कैनन का R8 है इसके अंदर आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं और वहीं हमारा जो कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर भी आपको 24.2 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलते हैं। यानी दोनों कैमरे तो हमारे फुल फ्रेम है और दोनों कैमरे के अंदर हमारे मेगापिक्सल्स भी सेम है। तो अगर आप इससे फोटो या वीडियो करते हैं तो दोनों के अंदर आपको सेम रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं हम इस कैमरे की ISO। तो दोनों कैमरे के अंदर आपको 1200 तक का ISO रेंज देखने के लिए मिलता है जो कि अगर आप लो लाइट वगैरह में भी अगर आप शूट करते हैं तो दोनों के अंदर आपको जो फोटो जो है वो कम नॉइजी देखने के लिए मिलता है और जो आप अगर इससे वीडियो भी करते हैं तो वीडियो के अंदर भी जो इसके अंदर ISO रेंज दे रखी है आपको 1200 तक का, ये काफ़ी अच्छा है। आप लो लाइट में भी अपनी वीडियो को अच्छी खासी शूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ISO है दोनों के अंदर सेम है यानी दोनों की क्वालिटी भी सेम आने वाली है। अब हम दोनों कैमरे की देख लेते हैं स्क्रीन साइज। तो यहाँ पे जो हमारा कैनन का R8 है इसकी जो स्क्रीन साइज है वो आपको 3 इंच की स्क्रीन साइज देखने के लिए मिलेगी और यहाँ पे जो हमारा कैनन का R6 Mark II है इसकी भी स्क्रीन साइज आपको 3 इंच की ही देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैमरे की स्क्रीन साइज सेम है। अब हम देखते हैं इस कैमरे के ऑटो फोकस, जो कि ऑटो फोकस काफ़ी मेन रोल है अभी के टाइम पे जिसके थ्रू कि हर कैमरे में अपग्रेड करे जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों कैमरे के अंदर ऑटो फोकस देखें तो यहाँ पर जो कैनन का R8 है इसके अंदर जो ऑटो फोकस है यहाँ पे आपको 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलेंगे। एक आपका ह्यूमन देखने के लिए मिलेगा और आपका एक एनिमल और आपको व्हीकल, 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर भी आपको सेम ऑटो फोकस मोड देखने के लिए मिलते हैं जो कि 3 टाइप के ऑटो फोकस मोड हैं। एक आपको इसके अंदर भी ह्यूमन, एनिमल और व्हीकल 3 टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। यानी दोनों के आप ऑटो फोकस देखेंगे तो दोनों के अंदर सेम है। जैसे कि आप ह्यूमन के अंदर ले लीजिए, ह्यूमन के अंदर ये आपको आई के ट्रैक करेगा और आपकी फुल बॉडी को ट्रैक करेगा ऑटो फोकस में, और वहीं आप एनिमल में देखेंगे तो एनिमल में भी ये आप जो हमारे एनिमल होते हैं जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, तो ये उनकी आई को भी ट्रैक करता है और उनकी फुल बॉडी को ट्रैक करता है जिससे कि हम अगर फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं किसी एनिमल की तो वो उसकी आई को ट्रैक करता है और आपकी फ़ोटो को एकदम क्लियर निकाल के देता है। व्हीकल के अंदर भी ये आपके कई तरीके के सब्जेक्ट को ये ट्रैक करता है जैसे कि आपका कार हो गया, ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, इन सभी को ये ट्रैक करता है। और यही सारी सेम फीचर आपको कैनन R6 Mark II के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। यानी दोनों कैमरे के अंदर सेम ही ऑटो फोकस मोड दिए गए हैं। तो यहाँ ऑटो फोकस मोड आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों कैमरे सेम परफॉर्मेंस करते हैं ऑटो फोकस के अंदर। अब हम दोनों कैमरों की देखेंगे कंटिन्यूस शूटिंग। तो यहाँ पे जो हमारे कैनन का R8 है इसके अंदर आपको 40 FPS कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है और यही जो हमारे कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर भी आपको 40 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको कंटिन्यूस शूटिंग सेम ही देखने के लिए मिलता है। अब हम दोनों कैमरे के अंदर देखते हैं मूवी मोड। तो यानी दोनों कैमरे जो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, दोनों कैमरे के अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कैनन का R8 है इसके अंदर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, इसके अंदर आपको 60 FPS वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पे जो हमारे कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको 60 FPS वगैरह सब चीज़ सेम देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे जो आपका कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे जो हमारे कैनन का R8 है इसके अंदर आप 6K वीडियो शूट नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप दोनों कैमरे के अंदर 4K वीडियो जब शूट करते हैं तो दोनों कैमरे के अंदर तो आपको 4K वीडियो शूट होता है, बट यहाँ पे जो आपका 4K वीडियो शूट होता है ये आपको 6K की वीडियो को ओवर सैंपल करके ये आपको 4K की क्वालिटी देता है।
तो यहाँ पे दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम क्वालिटी आने वाली है। और यहीं पे जो आपका दोनों कैमरा है अगर 1080p पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाते हैं दोनों कैमरे में, जो कि 180fps का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। तो यानी दोनों कैमरे के अंदर सेम ही है मूवी रिकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आपका जो कैनन का R8 है इसके अंदर आप 6K वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे आप कैनन का R6 Mark II है इसके अंदर आप 6K तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दोनों कैमरे के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ की फैसिलिटी देखने के लिए मिलती है, तो यानी दोनों कैमरे के अंदर आपको सेम ही वाईफाई और ब्लूटूथ देखने के लिए मिलता है। और हम अब देख लेते हैं दोनों कैमरे की बॉडी। तो यहाँ पे आप दोनों कैमरे की बॉडी देखेंगे तो दोनों कैमरे की बॉडी वेदर सील बॉडी है, यानी इस पर हल्का फुल्का पानी गिरेगा तो उससे आपके कैमरे का कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे हम दोनों की देख लेते हैं बॉडी डिजाइन। तो यहाँ पे जो हमारा कैनन का R8 है अगर आप इसकी बॉडी डिजाइन देखेंगे तो हमारा जो प्रीवियस कैमरा था कैनन का RP सेम बॉडी उसी की तरह आपको कैनन R8 की देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो हमारा कैनन R6 Mark II है इसकी बॉडी डिजाइन काफ़ी अच्छी है, ये आपको थोड़ा सा बल्कि देखने के लिए मिलेगा, और इसकी क्वालिटी भी जो बॉडी के वो काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे बटन भी देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे जो RP की तरह जो बॉडी हमारा कैनन R8 की तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी बटन में कटौती देखने के लिए मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं दोनों कैमरे की प्राइस की। तो यहाँ पे जो हमारा कैनन का R6 Mark II है अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे इसकी बॉडी की तो ये आपको 2 लाख की बॉडी इसकी आती है, और वहीं पे आप कैनन का R8 की बॉडी की प्राइस देखेंगे तो ये आपको इजीली मार्केट में 1,25,000 के समथिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।